हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपिका त्यागी। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना पिछला व्लॉग। सो लास्ट व्लॉग में हम गए थे शिरडी, और शिरडी में हमारे कैसे दर्शन हुए, हमने क्या क्या किया, कैसे किया, फुल डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। और अब हम चल दिए हैं शनि शिंगणापुर के लिए। तो शनि शिंगणापुर जाने के लिए आपको शिरडी से ही ट्रैवलर मिलती है, और ये ट्रैवलर आपको 200 ईच में पड़ती है। ज़्यादा दूर का रास्ता है नहीं, केवल 72 किलोमीटर्स है शिरडी टू शिंगणापुर, और 1.5 घंटे में वो रास्ता कवर आराम से हो जाता है। और यहाँ ट्रैवलर तक आते हुए मुझे रास्ते में बहुत सारे अमरूद दिखे थे, और मेरे को अमरूद जो बहुत ज़्यादा पसंद है। अमरूद ला के दो। इस तरह से काम करो, जब रास्ते में अमरूद वाला था तो भीड़ थी, हमें सुकून चाहिए था, सुकून में बैठ के खाना था। जाओ लेके आओ। अब इतनी दूर नहीं है, इसी मोड़ पे तो है ये वाले। अरे इस मोड़ पे खड़ा है, मैंने अभी देखा, यहीं से दिख रहा है मुझे। लेके आओ, जो अच्छे पति बनो। तो आप भी जब साईं बाबा के दर्शन करके बाहर निकले तो अमरूद दिखे तो ले लेना उसी समय, वरना फिर पति देव नखरे दिखाते हैं लाने में। आखिरकार ले आए, और मैं टूट पड़ी अमरूद पर, और मैं ऐसे करके शो कर रही थी, मैं एक्चुअली आप लोगों को खिलाना चाह रही थी, लेकिन ये महाराज जी मुझसे छीनने को आतुर थे कि मैं खाऊँगा, पर मैं आपको ही खिला कर मानी। और अमरूद बहुत ज़्यादा यमी थे, आप भी ट्राई करना ज़रूर। तो अब गाड़ी चलती है शनि शिंगणापुर के लिए। ये हमने फ्रंट सीट ही ली थी ड्राइवर से कहकर, क्योंकि मुझे शूट भी करना था, और प्लस हम अपना इंडिविजुअलिटी भी मेंटेन रखना चाहते थे कि अपना प्रिवेसी सी रहे थोड़ी। तो देखिए, ट्रैवलर है, शेयरिंग है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो होते ही हैं, बट छोटा सा रास्ता था, इस वजह से हम मान गए कि क्या 3,000-4,000 टैक्सी में फूकने, अपना 200-200 रुपये में पहुँच जाएंगे। बट मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा ना, ये लोग पीछे वाली सीट पर, 3 लोगों की सीट होती है, उस पर 4 जने बैठाते हैं, और जिद करते हैं हम तो बैठाएंगे। और जब आपको मना रहे होंगे तब तो आपसे प्यार से बात करेंगे कि आइए आइए बैठिए, ये वो, अरे कुछ नहीं है, ये है वो है, बट जब आप बैठ जाओगे ना एक बार, फिर ये अपने मन की करने लगते हैं। तो आपको जो भी चाहिए, आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं, मतलब वो आप पहले ही उनको बोल दो कि हमको ये चाहिए, हम 3 जने बैठेंगे, हम ऐसे बैठेंगे या उतना बैठेंगे, नहीं तो ये फिर जिद करते हैं और वो मानते भी नहीं हैं। और एक जगह जाके फिर पेट्रोल के लिए रोक देते हैं, उसी समय अपना पेमेंट ले लेते हैं। तो हमने तो लेकिन आधे ही, यानी 200 रुपये ही दिए थे, क्योंकि हमें लगा कि हम कैसे ट्रस्ट करेंगे कि वापस आते समय भी तुम दिखोगे कि नहीं दिखोगे। तो हमने तो 200 ही दिए थे, 200 हमने मंदिर से दर्शन करने के बाद आकर दिए थे, ठीक है। लेकिन अभी आपको नासिक वाली बात भी बताऊंगी, उसके लिए आगे बने रहिए कि क्या हुआ नासिक में जाते वक्त। और ये देखिए शिरडी से, शिरडी का रास्ता है ये, बहुत ही सुंदर था, और सारी मैंने दुकानें कवर करी हैं कि आपको क्या क्या मिल जाएगा। सामान की कोई चिंता की बात ही नहीं है, शिरडी एक बहुत अच्छी जगह है, अच्छे से बसा हुआ इलाका है। और मुझे थोड़े से लोग रूड दिखे, क्योंकि क्राउड है, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा घमंड टाइप आ जाता है, और बात करने का तरीका उतना खास नहीं रहता, और जब उनको काम निकलवाना होगा तब तक तो आपसे प्यार से बात करते हैं, वरना उसके बाद उतना अच्छे से बिहेव नहीं करते। मुझे यहाँ का टोन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ठीक है। तो ये है सारा शिरडी से निकलते वक्त का रास्ता, और क्योंकि विंडोज़ खुली रहेंगी, एसी नहीं चलता है, तो फिर आपका पूरा टाइम, मतलब पूरे में डस्ट और बाल बाल सब उड़ते हैं, तो मैंने अच्छे से दुपट्टे से कवर करके ही पूरा टाइम बैठी रही। और हम आ गए हैं, अरे अरे इतनी जोर से चलोगे, ये जूस इकट्ठा कहाँ हो रहा है, नीचे से जा रहा है, इस तरफ से भी करो। ओके, आ जाओ। ठीक है, अच्छा ऐसे है, द होल वाइब और एक बात, हर जूस पिलाने वाले के पास ना ऐसे उन्होंने ये स्विंग टाइप बना रखा होगा, ये झूले वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये आपको हर जगह मिलेगा, और जितना आपका जूस बने उतना आप झूलो, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और थोड़ा सा झूला चर चर कर रहा था, लूज़ था, डर लग रहा था, लेकिन मज़ा आ रहा था, क्योंकि सारा खाली पड़ा था आसपास, देखिए कितना खाली है।
सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। वाइब बहुत अच्छी थी, ग्रीन ग्रीन एनवायरनमेंट, खुली हवा, ताजी एकदम। और अभी मेरा जूस आने वाला है, बस वेट कर रही थी कि देखते हैं कैसा जूस होगा। महाराज जी पीते हुए आ रहे हैं, देखें गिलास का साइज तो आपने देख ही लिया होगा, 10 रुपए वाला था। और जूस पिया तो मुझे पसंद ही नहीं आया, बहुत ही अजीब सा था, पानी पानी जैसा। हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छा मिलता है। और झूला दिखा तो दिन तो अच्छा है, यादें रही कि महाराज जी भी झूले हैं। तो हम वापस चल दिए हैं शनि शिंगणापुर के लिए। और ये शनि शिंगणापुर का द्वार है, बोलो जय शनिदेव। तो ऐसे द्वार है शिंगणापुर के लिए। और शिंगणापुर के गेट पर ही आपको 5 रुपीज़ ईच लेते हैं वो लोग, कहते हैं ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट के लिए वो टैक्स होते हैं, उनके चार्जेस होते हैं, तो वो लेंगे। और यहाँ पर आपको सब कुछ एक्सपेंसिव मिलेगा, मतलब लोग बागों ने ना थोड़ा थोड़ा सब कुछ ही एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, हर चीज़ का 5 रुपये एक्स्ट्रा, 5-10 रुपये, 5-10 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। और मुझे लगता है कि शायद थोड़ा अंडर डेवलप्ड है, इस वजह से ज़्यादा लेते हैं हर चीज़ के पैसे। और ये देखिए रोड्स बहुत प्यारी थी, अच्छा था, लेकिन धूप भी बढ़िया एकदम तेज वाली थी, और आफ्टर ऑल दोपहर का समय था तो इसलिए थी भी तेज। और हमने ले लिया है थोड़ा सा प्रसाद, थोड़ा इसलिए लिया था कि हमें लगा कि वहाँ चढ़ेगा नहीं, बट वहाँ पे आराम से चढ़ रहा था। तो आगे आप लोग कभी जाइएगा तो आराम से खुल के प्रसाद ले सकते हैं, बट पैसे पहले ही तय कर लीजिएगा, वो लोग कहेंगे कि हम बाद में आके दे देना, बट आप ऐसा बिल्कुल मत करना, पहले ही पैसे देकर आना उनको, उसके बाद उनके अलग रेट हो जाते हैं। और ये है असली मंदिर का गेट, यहाँ से एंट्री हो जाती है, इसके बाद से मोबाइल को से शूट करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। दर्शन हमें अच्छे हुए थे। और ये होने वाला है मेरी लाइफ का पहला वड़ा पाव, और ये मैंने थोड़ा सा इसलिए शूट किया, अच्छा था लेकिन थोड़ा सा गर्म था। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि शनि शिंगणापुर आप जाएं तो थोड़ा सा खाना लेकर जाएं अपने साथ, क्योंकि वहाँ पर खाना नहीं मिलता है, और आप जो भी खाओगे ना वो सब कुछ इतना एक्सपेंसिव भी होगा और बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होगा। और ये देखिए अब हम कहाँ चल दिए हैं, ये है नेक्स्ट डे, हम मॉर्निंग का टाइम है, हमने ली है एक बस नासिक के लिए। तो नासिक का रास्ता तो एक नंबर का था, 300 ईच पर्सन हमारा टिकट था इस बस का। बस आपको बुक करनी पड़ती है, और बस आपको आराम से जहाँ से साईं बाबा के दर्शन के लिए लाइन लगती है वहीं पे ही ट्रैवलर्स बैठे होते हैं, तो उन लोगों से बात करके मिल जाती है। 300 ईच पर्सन का आना जाना, मतलब नासिक से लौट के आप रात को शिरडी ही पहुंच जाओगे, ऐसा था ये टिकट। बट हमें वापस नहीं आना था क्योंकि हम अगले दिन जाने वाले थे मुंबई, तो हमें सिर्फ जाने जाने का, बट उन्होंने कमी नहीं करा, उन्होंने 300 ईच बोला तो वो उतने ही लेकर माने, और बहुत रूड बिहेवियर था सब लोगों का, क्या ही बताऊँ। थोड़ा सा बच के रहिएगा आप, और पैसे पहले से ही सब कुछ अच्छे से डिसाइड कर लीजिएगा। रास्ता बहुत ही सुंदर था नासिक के लिए, देखिए ये कलर्स तो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।